अरे सर्द जनवरी की रात, कांप रहा है ब्रह्मांड, जालिम ठंड ने फाड़ रखी है हमारी गान। ये बात तो सही कह रहे हैं तिवारी भैया, ताला ऐसे सुनसान में कहीं आग भी नहीं दिख रहा है। ये भूतिया जगह है, पता नहीं है भूत काहे आग जला कर रखेगा। अरे तिवारी भैया, वो देखिए वहाँ पर किसी ने आग जला कर रखा है। अरे वाह, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या बात है भाई लोग, अब ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपना हाथ पांव नाक मुंह आंड गांड सब चख लो। मेरे पास ये चार भुट्टे हैं, इनको आग में डाल देता हूँ, पकेगा तो खाने में बहुत मजा आएगा। अरे वाह, एक तो ठंड में ये आग और ऊपर से गरम गरम भुट्टा, मजा आ जाएगा। मजा तो आएगा, लेकिन पहले ये सोचो कि यहाँ इस सुनसान जगह पे ये आग किसने जलाया होगा। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, लगता है कोई भूत आग जलाकर हाथ पांव सेक रहा होगा। अरे भूतों को ठंडा लगता है क्या जी? कैसा बात कर रहे हो, भूत सबको ठंडा गरम सर्दी गर्मी सब नहीं लगता है। अच्छा तिवारी भैया, क्या सच में भूत होता है? हाँ और नहीं तो क्या। अरे हम तो कई बार देखे हैं, आगे जो मोड़ है ना, वहीं पर बैठा रहता है, जो रात को गुजरता है उसी को दिखाई देता है। क्या सच में? हाँ, एक बार तो मेरा रास्ता रोक लिया और हमसे कुबेर मांग रहा था, कुबेर खैनी। क्या बात करते हो तिवारी भैया, सरासर फेंके जा रहे हैं। अरे हम तुम्हारी तरह फेंकने वाले नहीं है जी, 100% सच कह रहे हैं। कोई बात नहीं, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। अब वैसे भूत ने आपसे कुबेर ही क्यों मांगा, रजनीगंधा क्यों नहीं मांगा? भूत को भी इनका औकात पता था, इसीलिए कुबेर मांगा होगा। या शुक्ला, औकात का बात मत करो, औकात तो इतना है तुमको रजनीगंधा से तौल देंगे, समझ गए? अरे तिवारी भैया मटियाइए ना, आज शुक्ला जी थोड़ा घबराए हुए हैं, इसीलिए कुछ भी कह रहे हैं। अब वैसे शुक्ला भैया, थोड़ी देर पहले आप मियां खलीफा की तरह हाँप काहे रहे थे, किसी ने मार ली थी आपकी क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है ये पुतनमा, पूछना तो बनता है ना, जमाना खराब है शुक्ला जी। अरे मत पूछो, साला ठंड में कुत्ता सब कुछ ज्यादा ही भौंकने लगता है, जिधर जाओ उधर ही साला कुत्ता सब हमको दौड़ाने लगता है। अरे शुक्ला भैया, कब तक अपने रिश्तेदारों से ऐसे जान बचाकर भागते रहोगे? क्या बोले तुम, कुत्ता हमारा रिश्तेदार कैसे हो गया? आपने तो सुना ही होगा ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही कुत्ते को कुत्ता ही दौड़ाता है। वैसे शुक्ला तुम गए कहाँ थे यार? अरे गए थे प्रीतिया से मिलने के लिए, लेकिन सारा कुत्ता ही पीछे पड़ गया। मतलब लेने के चक्कर में गए थे और मिला नहीं? अरे धैर्य रखो, प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन प्रीति रानी जरूर देगी। आपके इस हाल पे एक शेर अर्ज है, मन्नत के धागे बांधो या बांधो मुरादों की पर्ची। सुन रहे हो शुक्ला जी, आप ही के लिए है। मन्नत के धागे बांधो या बांधो मुरादों की पर्ची, वो देगी तभी जब होगी उसकी मर्जी। क्या? दिल, प्रीति रानी दिल तभी देगी जब उसकी मर्जी होगी, आपके लार टपकाने से कुछ नहीं होगा। वाह गुरु छा गए, सच में बहुत दिनों के बाद ऐसा मजेदार शायरी सुनने को मिला है, वाह। तो इसी बात पर इस भुट्टे का मजा लीजिए, ये लीजिए, सब खाइए, लीजिए। वाह वाह मजा आ गया भुट्टा खा, लीजिए शुक्ला भैया अभी भुट्टा लीजिए, मजा आएगा खाने में। आहा, बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया, ठंड में गर्मा गर्म सिका हुआ भुट्टा खाने का अलग मजा है। क्या शुक्ला? हाँ ये बात तो है पुतनमा, अच्छा काम की। और भाई पिंटू, कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही स्टैचू बने रहोगे, क्या हाल है? अरे जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। क्यों, ऐसा क्या हुआ मेरे मिट्टी के शेर? लगता है आपका शेर इस ठंड में ढेर हो गया। हा? देखो भाई, ठंड से बचना है तो लेते रहो सुबह में सूरज का धूप, शाम को गर्मा गर्म चिकन का सूप,
और रात को बीवी की। अरे अरे कंट्रोल पुत्तन कंट्रोल, सब कुछ क्या खोल के ही बता दोगे? जनता बहुत समझदार है, आगे की बात सब समझ ही गए होंगे। हाँ तो पिंटू तुम कुछ कह रहे थे? अरे कहना क्या है साला, हम मर्दों का जीवन भी कोई जीवन है क्यों भाई? कितना मजेदार तो है हम लोगों का जीवन। हाँ घंटा मजेदार है जीवन, ये सब दिखावा है। साला बचपन में स्कूल में हमको मैडम मुर्गा बनाती थी, जवान हुए तो गर्लफ्रेंड हमको उल्लू बनाने लगी, और अब शादी के बाद बीवी हमको गधा बना रही है। इसीलिए तो हम शादी नहीं किए, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, सिंगलपन के आलम में हाथ ही सहारा है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, चलो यहाँ से निकलो। क्या भाई हम क्यों चले जाएं? देख नहीं रहे हो ठंड में हम आग सेक रहे हैं, हाँ और साथ में हम भुट्टे का मजा भी ले रहे हैं। किस दुनिया से आए हो भाई, तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? देखो भाई माना ये जगह तुम्हारी बपौती होगी, हम लोग आग सेक कर चले जाएंगे, कौन सा यहाँ घर बना कर रहने आए हैं? अरे बेवकूफों ये शमशान घाट है, ये जो आग सेक रहे हो यहाँ, थोड़ी देर पहले बंठा खुजली वाले बुढ़े को जलाया गया है यहाँ पर। क्या ये मतलब कि ये चिता है, यहाँ लाश जल रही है। आय हाय 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 हाय, और हमने इस आग में भुट्टा पकाकर खा लिया। हाँ तुम लोगों ने लाश की आग में भुट्टा पकाकर खाया है, सब भ्रष्ट हो गए। जाओ जल्दी से सब अभी के अभी नहाओ, नहीं तो बंठा खुजली वाले बुढ़े का भूत तुम लोगों का भुट्टा बना देगा। चलो घर, इस आग और भुट्टे के चक्कर में इस कड़कड़ाती ठंड में सबको नहाना पड़ेगा, भागो।